गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग EVS पढ़ेंगे। EVS क्लास फोर्थ का ये चैप्टर फोर है, नेचुरल फेनोमेना। हम आज के क्लास में नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पूरे अर्थ पे या फिर पूरे वर्ल्ड में नेचुरल फेनोमेना कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं, हमारी पृथ्वी, हमारा वर्ल्ड, हम ये दुनिया कैसे चलती है। तो आइए क्लास फोर्थ पेज नंबर 22 निकाल लीजिए, चैप्टर फोर। देखिए इसमें लिखा है, सर्टेन फेनोमेना सच एज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, थंडर एंड लाइटनिंग, रेनबो एटसेट्रा अकर इन नेचर ऑन देयर ओन, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल फेनोमेना। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। नेचुरल फेनोमेना का मतलब ये है जो हमारे पूरी वर्ल्ड में जो नेचुरली होता है, जैसे बारिश होती है, बिजली कड़कती है, ओले गिरते हैं, बिजली ठनकती है ना, ओले ठनकते ऊपर से गिरते हैं, तो ये सारी अर्थक्वेक आता है। तो ये सारी चीज़ें जो बवंडर उठती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल फेनोमेना है, ये अपने आप नेचर के द्वारा होती हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, दिन और रात कैसे होते हैं, शाम कैसी होती है ना। तो हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है डे एंड नाइट, दिन और रात के बारे में, डे और नाइट कैसे होती हैं टाइम टू टाइम। You know that Earth is a planet. It is a part of the solar system. Do you remember how many planets are there in the solar system? अब आपको पता है आप कहाँ रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, और अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, ये एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम का हिस्सा है। क्या आपको याद है सोलर सिस्टम कितने होते हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाई की होगी, सोलर सिस्टम कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, पहले 9 होते थे, पर अब क्या है हमारे पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में 8 ही आते हैं। जो लास्ट वाला प्लूटो था वो हटा दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फार है हमारे रेंज से, इस वजह से उसको हटा दिया गया। तो अब टोटल सोलर सिस्टम कितने हैं, 8 हैं। तो हम पढ़ेंगे, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ एयर एंड वाटर, सो लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, ऑल अदर प्लैनेट्स आर लाइफलेस। अब हम, आपने ये कभी सोचा है कि हम अर्थ पे ही क्यों रहते हैं, जब प्लैनेट्स 8 हैं तो हम 8 जो ग्रह हैं हम उनमें से किसी पे भी जाकर रह सकते हैं, वीनस पे रह सकते हैं, मर्क्यूरी पे रह सकते हैं, यूरेनस पे, सैटर्न पे, सब पे जाकर रह सकते हैं, नेपच्यून पे, पर हम सिर्फ अर्थ पे ही क्यों रहते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हवा मतलब एयर, ऑक्सीजन और पानी मतलब वाटर जहाँ अवेलेबल है, एकमात्र अर्थ ही ऐसी जगह है जहाँ पे एयर और वाटर दोनों अवेलेबल है। इन दोनों के बिना हमारी लाइफ लाइफलेस है, हम जिंदा रह ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी जितने भी बाकी 7 ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनमें लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे एयर, ऑक्सीजन और पानी नहीं पाया जाता है, या फिर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, या फिर नेग्लिजिबल पाया जाता है। द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। अर्थ वैसे छोटा है, सन बड़ा है, तो हम अर्थ को छोटा बनाएंगे, ये है अर्थ, ठीक है, ये सन। अब आपको पता है अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी पे है सन? देखिए यहाँ पे लिखा है ये 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, कितना, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन किससे, अर्थ से। पर सोचो कितनी ये बात है ऐसी सर की, सन से अर्थ पे इसकी जो लाइट आती है, इसके जो रेज आते हैं, इतनी दूरी होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 8.5 मिनट, सिर्फ 8.5 मिनट्स लेती है इसकी रोशनी अर्थ पे आने तक। इतने दूर होने के बावजूद जो सन की किरणें हैं, सूर्य की रोशनी है, वो अर्थ हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए समय कितना लेती है, 8.5 मिनट्स। ठीक है। द अर्थ कीप्स ऑन मूविंग ऑल द टाइम, इट हैज़ टू काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब आपको पता है अर्थ हमेशा घूमता रहता है, पर इसके घूमने की गति 2 तरह की होती है, इनका जो एक होता है रोटेशन और एक होता है रोटेशनल। अर्थ 2 तरह से मूव करती है, कैसे, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी
अब हम यहाँ पढ़ेंगे रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। अर्थ की जो मूवमेंट है कैसे है, मूवमेंट ऑफ अर्थ कौन कौन से हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब जैसे यहाँ मैं जैसे मान लीजिए अर्थ हूँ, ठीक है, मुझे आप अर्थ सपोज करिए। अब मैं कैसे मूव कर रही हूँ, ऐसा मूवमेंट जहाँ अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करता हो, तो मैं अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे गोल 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 मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये हुआ अर्थ का रोटेशन, इसे क्या कहेंगे, अर्थ का रोटेशन। तो रोटेशन के बारे में पढ़ा आपने, अर्थ का रोटेशन क्या हुआ, अपनी एक्सिस पे अपनी ही जगह पे ऐसे 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 मूव करना, इसे कहेंगे रोटेशन, ठीक है। ये कैसे मूव करती है, स्पिन करती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ये अपनी ही जगह पे मूव करती है। द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, ये एक रोटेशन कितने देर में कंप्लीट करती है, 24 घंटे में, इसलिए दिन और रात होता है। अपनी एक्सिस पे जब ये मूव कर रही है उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। ये कैसे वेस्ट कैसे मूव करती है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट में, और ये कितना समय लगाती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, 24 आवर्स। अब द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट, इसी वजह से दिन और रात होता है, एक दिन में दिन और रात इसी कारण से होता है। व्हेन द अर्थ रोटेट्स वन हाफ इट्स फेसेस द सन, अब जैसे आपको पता है इधर मान लीजिए सन है और इधर अर्थ है, ठीक है, तो इधर किरण रोशनी की, सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो जब ये मूव ऐसा किया तो ये सामने वाला जो फेस है ये कैसा हुआ, दिन हुआ, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिन हुआ। लेकिन इधर वाला जो फेस है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, वहाँ क्या हुआ, उस टाइम पे वहाँ पे रात हो रही होती है, ठीक है। 12 घंटे बाद धीरे धीरे, वैसे तो वो हमेशा मूव करती रहती है, लेकिन 12 हमें एक दो दो घंटे बाद पता चलता है कि अच्छा दिन हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुई, रात हुई, ठीक है। कुछ देर के बाद ये वाला जो पोर्शन है वो वापस यहाँ आता है और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता है, तो फिर जो ये वाला पोर्शन था जहाँ रात थी वहाँ पे क्या हुआ, दिन हो गया, और जहाँ दिन था वहाँ क्या हुआ, रात हो गई, क्योंकि वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में चले गई वो वाले पार्ट, तो इसलिए इसी वजह से दिन और रात होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में, रिवॉल्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन तो मैंने बता दिया, अपनी ही एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट करता है, मतलब ये अर्थ है और वो अपनी एक्सिस पे जब रोटेट कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, रोटेशन। लेकिन आपको क्या पता है कि जो अर्थ है वो सन के भी चक्कर लगाता है, तो वो अपनी एक्सिस पे, मान लीजिए ये सन है और वो अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट करके वो पूरे सन का ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसे बोलेंगे रिवॉल्यूशन। अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाने को बोलेंगे रोटेशन, और फिर जो पूरे सन की परिक्रमा कर रहा है वो उसे बोलेंगे रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया, रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ, दिस डेफिनेट पाथ इज इन विच द अर्थ मूव्स इज नोन एज ऑर्बिट। अब जैसे देखिए ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है। अब ये अर्थ ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है और ये धीरे धीरे सन के भी चक्कर लगा रही है, तो ये जो पाथ है ये डिफिनिट पाथ है, ये इसी डिफिनिट पाथ पे हमेशा जिंदगी भर से चक्कर लगाती आ रही है सन। तो ये जो पाथ है, इसने पाथ जो कवर किया, इस पाथ को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। इस पाथ को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। जब अर्थ
अपने एक्सिस पे घूमते हुए पूरे सन का जब चक्कर लगाती है तो एक पाथ बनता है, वो डेफिनेट पाथ होता है, उससे वो हटकर या एकदम दूर जाकर और एकदम पास जाकर चक्कर नहीं लगाती, वो एक डेफिनेट पाथ होता है, उस पाथ को हम बोलेंगे ऑर्बिट। और मैंने आपको बताया एक रोटेशन, एक अपनी एक्सिस में जब अर्थ मूव करती है, रोटेट होता है, तो एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगाता है अर्थ? 24 घंटे, 24 आवर्स। लेकिन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, जब वो सन का चक्कर लगाता है, तो एक रिवॉल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट होता है, मतलब एक साल इसको लग जाते हैं, पूरे एक साल लगते हैं, तब जाके ये सन का एक चक्कर लगा पाता है, कौन? पृथ्वी। तो इस वजह से आपके जो पूरे साल में सीजन्स आते हैं, दिन और रात किस वजह से आया? रोटेशन की वजह से, क्योंकि सूर्य की रोशनी कभी पड़ी तो सामने वाले फेस पे जब रोशनी पड़ी तो दिन हुआ, पीछे वाले फेस पे रात हुआ। जब सीज़न चेंज होता है, जैसे गर्मी ज़्यादा, बरसात, पतझड़, ये सब आते हैं, ये क्यों होता है? रिवॉल्यूशन की वजह से। एक साल में एक रिवॉल्यूशन, जैसे जैसे वो कंप्लीट करती है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थंडर एंड लाइटनिंग, बिजली कैसे कड़कती है और क्यों कड़कती है, और जब बिजली कड़कने के बाद जो आवाज़ आती है, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।